हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे और sec x का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम लोग कई सारे बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पहले निकाल चुके हैं, तो आज देखते हैं कि sec x का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। यूजुअल प्रोसेस जैसे पहले किया था वैसे अभी करेंगे। अब की बार हमें जो फंक्शन दे रहा है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू sec x, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो पहले तो चेक करते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल था क्या। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और अपॉन h। fx हमें कितना दे रहा है, fx दे रहा है sec x, तो f ऑफ x प्लस h कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा sec ऑफ x प्लस h। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, तो इसमें पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट ऑफ s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sec ऑफ x प्लस h माइनस sec x अपॉन h। फिर वही बात कि अगर h को 0 पुट करेंगे तो ये sec x माइनस sec x 0 और नीचे भी 0, तो फॉर्म बन गया 0/0 और 0/0 अनडिफाइंड है। तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं ताकि एक डेफिनेट वैल्यू आ रही हो। तो हम लोग इस sec को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 1 अपॉन h को अलग लिख देते हैं और ये आ जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस h माइनस 1 अपॉन cos x, sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x। इसका एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट ऑफ s टेंडिंग टुवर्ड 0 1 अपॉन h, और इसका जो एलसीएम आएगा वो cos ऑफ x प्लस h इनटू cos ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x प्लस h। अब क्या कर सकते हैं, अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला इससे इसको ओपन कर देते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसका फॉर्मूला ही बनाया था कि cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। तो इसका जब जो हम लोगों का फॉर्मूला था cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d, तो ये आया था 2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, ये फॉर्मूला आया था। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड 0 1 अपॉन एच 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो सी कितना था एक्स और डी कितना था एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी करेंगे तो डी माइनस सी करेंगे तो ये आ जाएगा एच और बाई टू भी करना तो एच बाई टू। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस टू को नीचे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन ऑफ एच बाई टू, और इस टू को नीचे ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा एच बाई टू। और हमें पता है कि ये जो साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट है ये 1 आएगी अगर थीटा बहुत छोटा है, तो एच तो बहुत छोटा दे रहे हैं तो ये लिमिट हो गई 1। अब बचा साइन एक्स प्लस एच, और नीचे हमारे पास कुछ और भी बच रहा होगा, तो नीचे का जो एक्सप्रेशन था वहां पर कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स और बच रहा है, तो यहां पर बच रहा है कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स, तो नीचे एक फैक्टर और भी है कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो ये लिमिट तो हो गई 1, जो ये वाली लिमिट थी वो 1 हो चुकी है, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा लिमिट ऑफ एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 अपॉन cos ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस ऑफ x, और h को अब हम पुट कर सकते हैं 0 हम लोग,
तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया, ये हो गया टेन एक्स, और वन अपॉन कॉस कितना हो गया, ये हो गया सेक एक्स। इसका मतलब सेक एक्स का जो डेरिवेटिव आ गया वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सेक एक्स का डेरिवेटिव निकाला, y इज इक्वल टू sec x, तो इसका जो डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx एंड दैट इज sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। तो ये sec x बेसिक फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव आ गया sec x इंटू टेन एक्स। तो अगले लेक्चर में हम लोग और कोई बेसिक फंक्शन यूज करेंगे, उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालेंगे।